मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल का विरोध किया है। मतदाता जागृति मंच और अखिल भारतीय कुर्मी किसान मजदूर महासभा के अध्यक्ष नंद कुमार बघेल ने सोमवार को कहा कि हम बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर मंच के लोग 27 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बंगले का घेराव करेंगे। रायपुर के पाटन सदन में प्रेस से चर्चा में नंद कुमार बघेल ने कहा, ईवीएम की विश्वसनीयता संदिग्ध है। पिछले दिनों 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम पर सवाल उठे, मतदाताओं ने इसका विरोध किया। बड़ी आशंका है कि ईवीएम के जरिए चुनाव में धांधली हो रही है। नंद कुमार बघेल ने कहा कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, देश में बदलाव संभव नहीं है। इसके लिए उनका संगठन राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा करेगा। शुरुआत छत्तीसगढ़ के रायपुर से हो रही है। यहाँ केंद्र में सत्ताधारी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का आवास है। संगठन के लोग ईदगाह भाटा मैदान में एक सभा करेंगे। उसके बाद सभी रमन सिंह के सरकारी आवास का घेराव करने निकलेंगे। उस दिन संगठन राष्ट्रपति को अपना मांग पत्र भी भेजेगा। संविधान के मुताबिक निर्वाचन आयोग सरकार से स्वतंत्र संस्था है। वहीं ईवीएम की निर्माता कंपनियां केंद्र सरकार के अधीन आती है। उसकी देखरेख के लिए कंपनी के ही इंजीनियर तैनात होते हैं। उन पर निर्वाचन आयोग का तकनीकी नियंत्रण नहीं होता, जो पारदर्शी चुनाव के लिए खतरनाक स्थिति है। अगर समय बचाने के लिए ईवीएम के उपयोग का तर्क है, तो 7-8 चरणों में कराए जा रहे चुनाव कौन सा समय बचा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को हुआ और सातवें चरण का 7 मार्च को 10 मार्च को मतगणना हुई। इसमें भी समय की उतनी ही बर्बादी है। वेनेजुएला में इसी तरह की चुनावी धांधली की आशंका में चुनाव निरस्त किया जा चुका है। वहां के सर्वोच्च न्यायालय में ईवीएम से चुनाव को चुनौती दी गई थी। वह ईवीएम भी सरकारी उपक्रम से बना था, वह सरकार के अधीन थी। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव को रद्द करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।